हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। और ये हमारी लूसेंट सीरीज, लूडो सीरीज, लूसेंट इसमें अपन कर रहे हैं पेज बाय पेज। और अभी तक अपन ने पॉलिटी कवर अप कर ली है, हिस्ट्री कवर, पॉलिटी नहीं सॉरी, हिस्ट्री, साइंस आपका हो चुका है, ज्योग्राफी आपका हो चुका है, इकोनॉमिक्स अभी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और विद इन 2-3 डेज। उसके बाद अपना पॉलिटी चलेगा। तो इसमें अपना जो प्रोसेस है, वी आर फोकसिंग ऑन द एचसीएस प्रिलिमिनरी, क्वालिफाई करना है, हाउ टू प्रोसीड। आप अपने लूसेंट की बुक लेके बैठिए, जनरल स्टडीज की, एंड यू हैव टू मार्क इन द बुक। फिर जो भी फैक्ट है, वी विल ट्राई टू लर्न विद द ट्रिक्स। और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर बीच बीच में अपने चलते रहते हैं। एंड दिस इज अबाउट मी, माई नाम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव क्वालिफाइड एचसीएस 2019। आप फॉलो कर सकते हैं अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एंड यू कैन डाउनलोड द अकेडमी ऐप फॉर ऑल द कोर्सेज। ओके, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब डॉक्टर अमित अकेडमी। नाउ लेट अस स्टार्ट एंड कम टू द मेन पॉइंट। ओके, कौन कौन ज्वाइन हो गया है? पूनम, दीक्षा, समीर, प्रतिभा, सुमन, शशि, वर्षा, अदिति, भूपेंद्र, अजीत, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बाकी लोग आ जाएंगे। एंड जो एक अनाउंसमेंट मैंने एप्लीकेशन में डाल भी दी थी, तो फ्रॉम टुमारो हम टाइमिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अंकित, गुड इवनिंग। तो उसमें अपना रहेगा, उसको देखेंगे अभी लास्ट में। आज का पहले अपन लेक्चर शुरू कर लेते हैं। देखो, तो इससे पहले अपन जो देख रहे थे, ये सारे के सारे जितने भी थे, कानपुर जो अपना मैनचेस्टर, और ये आपसे मैंने सवाल पूछा था, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, ये सारे के सारी चीजें अपनी आई थी। प्रतिका, गुड इवनिंग। तो उसके बाद अब अपना जो आ रहा है, आज का जो टॉपिक है, जहां से अपने को स्टार्ट करना है, दैट इज इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। रवि नमस्ते। ठीक है, तो करें शुरू। काजल, गुड इवनिंग। राहुल, गुड इवनिंग। हेलो सतीश, सतीश आ गया भाई। सतीश के बिना क्लास अधूरी रहती है। ठीक है, तो चलो 2-4 मिनट में बाकी सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास। तो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, देखो काजल, आई एम फाइन, हाउ यू? तो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो अपनी है, तो उसको अपने को देखना है कि इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या है, कि जितना प्रोडक्शन आपका चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, तो वो आपका मेजर करते हैं हम इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। इसमें जो अपना मेन इंडेक्स होता है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसमें सारा का सारा खर्चा कितना हुआ, कैपिटल कितनी लगी। ठीक है, तो उसमें ये सारे की सारी आएंगी। एंड ये रिलीज कौन करता है आईपी को? सीएसओ। तो एक तो आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है। डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है, सीपीआई कौन रिलीज करता है, जीडीपी आपका कौन कैलकुलेट करता है, कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट हमारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये अपना रहेगा सीएसओ। अब एक तो रिलीज कौन करता है, एंड द सेकंड इज इनके जो बेस ईयर हैं, अपने वो बेस ईयर अपने को ध्यान रखने हैं कि व्हाट आर दोज बेस ईयर्स। ठीक है, तो ये अपना रहेगा सीएसओ ने रिवाइज किया है बेस ईयर 2011-12। देखो डब्ल्यूपीआई का भी 2011-12 है, डब्ल्यू लिखते हैं तो दो डंडे आगे मान लो, तो दो डंडे से ऐसे ही ध्यान रखना है। और आईआईपी में भी दो डंडे हैं आपके, तो ये भी 11-12। आपकी क्लास नहीं होती तो फाइन नहीं होता सर। थैंक यू काजल फॉर दीज काइंड वर्ड्स। ठीक है, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी जो कनेक्टेड है, उनसे भी, मेरे लिए भी। थैंक यू। तो नाउ देखो, अब यहाँ पे देखो बहुत कुछ दे रखा है, इंडस्ट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतना हुआ उतना हुआ, अपने को कुछ नहीं करना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना ग्रो हुआ, कहाँ पे ग्रो हुआ, इस टाइप के सवाल अपने नहीं है। ठीक है साक्षी, गुड इवनिंग। बट द थिंग इज, जो मैंने आपको बताया, एक तो टेबल बना के रखो सीपीआई डब्ल्यूपीआई और उनकी, कि कौन करेंगे, रिलीज कौन करता है, प्लस ईयर। ठीक है, ईयर इनके जो बेस ईयर है वो दोनों आपको ध्यान रखना है। डन। फिर हम आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। तो हमारे लिए जो सवाल बनता है कि व्हाट आर दीज 8 इंडस्ट्रीज, उजाला, गुड इवनिंग, और इनके जो एग्जांपल्स हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें आपको एलिमिनेट करने के लिए सवाल आ सकता है 8 कोर इंडस्ट्रीज में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जैसे हमारा पेट्रोलियम है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे,
आपके एट कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन से आते हैं? ऋतु, गुड इवनिंग। फिर हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसके अलावा जो बच गए हैं वो आप प्लीज कमेंट करिए, चार मैंने बताए हैं, जो बाकी आपके बच गए हैं इसकी एक अपने हल्का फुल्का सा वो बना रखा है ट्रिक्सी की भाई, जो आपके करने में मतलब घर बनाने में और घर की उसमें काम आते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे एट कोर इंडस्ट्रीज जाने जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका क्या होता है कि जैसे अपने पास मेजरली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो होलसेल होता है, एक आपका रिटेल वाली जो सेल होती है दैट इज कंज्यूमर डायरेक्टली जहां पे आता है। तो हम जब बल्क में प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो उस टाइम पे जो आपकी सेल होती है दैट इज होलसेल, और जब आप रिटेल पे बेचते हो वो होती है आपकी रिटेल। तो रिटेल वाली जो आपकी चीज रहती है उसको जब अपन इन्फ्लेशन इंडेक्स प्राइस इंडेक्स वगैरह में अपन देखते हैं कि कितना उसमें प्राइसेस के चेंज हो रहे हैं, तो एक होता है अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये बेसिकली आपका इन्फ्लेशन को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। समवेयर, गुड इवनिंग। सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, डन, गुड। और कौन कौन से रह गए? तो बल्क सेल में अपने यहाँ पे तीन मेजर आपके ग्रुप्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे डब्ल्यू लिखने में 11 आता है, तो आपको एक तो बेस ईयर याद रखना है 2011-12, पेज नंबर 239, 239 इज द पेज नंबर। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, स्टील भी आपका काम आता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू वर्षा। करमवीर, गुड इवनिंग। ठीक है, सीएसओ इज नाउ नोन एज एनएसओ, ठीक है। ऋतु, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स नहीं, हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हो। 697 यानी 700 से लगभग तीन कम इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस टाइप के सवाल आने की संभावना नहीं रहती। फिर देखो इसने अलग अलग उसके हिसाब से बता रखा है कि भाई सिल्क में क्या चेंजेस हुए, ये अपने काम के नहीं है। सोनिया, गुड इवनिंग, आई एम फाइन, हाउ आर यू। बट अब ध्यान क्या रखना है, जैसे कीरी, कसार, मुंगा, ये जो आपके नॉन मलबरी सिल्क होते हैं इनके एग्जाम्पल्स अपन ध्यान रखेंगे, और फाइव स्टेट जैसे कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जे एन के, यहाँ पे आपका 97% ऑफ द सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अंजलि, गुड इवनिंग। तो ये एक अपनी चीज होगी है जो आपको ध्यान रखनी है। देन कॉटन से रिलेटेड यहाँ पे जैसे कॉटन आपकी कैश क्रॉप होती है, आज जो मैंने एक सवाल डाला था अपने कम्युनिटी में कि भाई ओड वन आउट आप सेलेक्ट कीजिए, तो वहां पे खरीफ और रबी वाला एक पेट सवाल बनता है, ठीक है, क्योंकि भाई कौन सी आपकी खरीफ में आएगी, कौन सी आपकी रवि में आएगी, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक जैसे कैश क्रॉप्स हैं सारी बाकी आपकी डिफरेंट काइंड की, तो एक वैसे भी आपका सवाल बनता है। विकास, गुड इवनिंग। तो अपना ये हो जाएगा कैश क्रॉप्स, और 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है। इंडिया हैज एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपने पास वो था उसमें अपना आ रहा था, ये दो चार अपन ने देखे थे, जूट, कॉटन, इनमें इंडिया प्राइमरली नंबर वन पे आ गया है, फर्स्ट पे आ गया है, तो वो अपना रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो सतीश मैंने इसलिए सतीश मैंने जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ था उसमें क्या था कि दो ऑप्शन भी आपके हो सकते हैं। अमित कुमार, गुड इवनिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रख। ऐसे ही जूट में देखो, जूट में भी लार्जेस्ट और कॉटन में भी लार्जेस्ट, एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सेकंड, जूट में एक इन्होंने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया है, जू JUE स्मार्ट, ठीक है, सप्लाई मैनेजमेंट इन द रिक्विजिस्टिंग टूल आपका है, तो ये आपका प्राइमरीली एक सीधा सीधा सवाल आपका बन सकता है। सॉरी, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती सर। कोई नहीं ऋतु, हम क्लास के टाइमिंग दिन में कर रहे हैं, अगर दिन में पॉसिबल हो तो ट्राई टू अटेंड द ट्रेन, तो बाद में जब भी आपको टाइम मिले सीधा, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो लोग लाइव कर सकते हैं वेल एंड गुड, जो लोग लाइव नहीं कर सकते वो बाद में भी देख सकते हैं। देन अपना आता है कि एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, बेसिकली जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह होती हैं हम उनको एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो एमएसएमई, मीडियम स्मॉल, ये अपने एंटरप्राइजेस होते हैं। देखो एक ये फैक्ट ध्यान रखो कि भाई जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली
डायरेक्टली भी बिल्कुल अपने को प्रिसाइज नहीं होना है कि भाई ऐसे 33% 45%, तो 30-40 के कंटेक्स्ट में भी याद रख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 30% कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी एंड द 40% कंट्रीब्यूशन इन द एक्सपोर्ट्स, वो अपना चलेगा। ठीक है, तो ये देखो, अब मान लो मेंस में कोई सवाल आया है आपका, तो मेंस में आपको कोट करना है, तो यू कैन स्टार्ट विद दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, ये आपके हेल्प करेंगे, हमेशा जो भी फिगर रहता है वो आपको हेल्प करेंगे। सिक्स्थ, इकोनॉमिकल सेंसस 2013 में आपकी हुई थी। नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस हमारे लगभग लगभग 77% है, बस इतना सा ही आप ध्यान रख लेंगे। और एग्जाम्पल्स तो हमें पता है कि भाई क्रॉप प्लांटेशन और इनको एक्सक्लूड कर दो, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, ओके अमित, शशि सर आज आप स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू शशि फॉर नोटिसिंग। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बारीकी से नोटिस कर पाते हैं। नरेश गुड इवनिंग, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब नंबर ऑफ एमएसएमई, अपने को इसका कुछ नहीं करना। स्टील, तो इसमें भी कुछ कुछ हो रहा है कि भाई हाँ इतना प्रोडक्शन उतना प्रोडक्शन, ये अपने काम का नहीं है। वन ऑफ द कोर पिलर इंडस्ट्री वो बता ही दिया था, वर्षा ने सारे कमेंट कर ही दिए थे, तो वो अपना हो गया। ठीक है, तो ये अपना चलेगा। देन अब अपना क्या है, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील आफ्टर चाइना। एक चीज तो ये अपने को ध्यान रखनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिया एंड चाइना के कंटेक्स्ट में अपना चलेगा। लीडिंग प्रोड्यूसर, ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। ठीक है, इनकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, और बाकी ओवर द ईयर आपका जो कोल बेस्ड रूट है, क्योंकि कोल से ही हमारा मेजरली हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं, तो वो की कंट्रीब्यूटर आपका हो गया है। एक जो हमारा जैसे टॉपिक है उसमें मेंस में भी कि भाई की लोकेशंस, की फैक्टर्स बिहाइंड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो वो आपको ध्यान रखने ही रखने पड़ेंगे, वो पूछा जाता है। ठीक है, हरियाणा का स्टील फैक्ट्री बताओ, बताओ भाई, सारे सतीश पूछ रहे हैं। ठीक है, एंड अब अपना नेक्स्ट ईयर आएगा, इंडिया इज ऑल्सो, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर पिग आयरन और ये सब। चलो ठीक, ये जनरल चीजें हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल रैंक ऑफ स्टील वो अपन देख चुके हैं, सेकंड पे आप आ गए हैं, चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया वॉज थर्ड 2018, अभी सेकंड। हिसार, गुड, चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी अपन देख रहे हैं कि सेक्टोरल डेवलपमेंट, सेक्टर्स के हिसाब से भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग सेक्टर, रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर, एविएशन सेक्टर, वहां पे क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रोड सेक्टर में देखो पहले तो कि शेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर लगभग जीडीपी में है 4.77, जिसमें से रोड का 3.06। देखो ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे फैक्ट आपको रिमेम्बर रखने हैं, नो, बट एज आई ऑलवेज टेल यू, हम देख रहे हैं तो जो जो चीजें देखने लायक है उनको देख लेंगे, बट जो याद करने लायक है उस पर अपन क्यों मार्क करेंगे ही। ठीक है, तो ये बस हल्का फुल्का सा कि भाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड का कितना इंपॉर्टेंस है। 4.77 में भी आपका 3.06% आपका रोड्स का है, रेलवेज 0.75, ट्रांसपोर्ट एयर 0.15, एंड वाटर आपका सबसे कम 0.06। अच्छा, आप लोगों से सवाल है, नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बनाई है, बहुत सारे वाटरवे बन चुके हैं, 120+ आपके वाटरवेज हो चुके हैं, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, ये आपको कमेंट करना है। ओके, थोड़ा धीरे, ओके जी, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं रे, तो चलाओ काम चलाओ। ठीक है, ओके देन, चलो ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। इंडिया में रोड नेटवर्क ये कितने का है, कितने का है, 59 पॉइंट, लगभग लगभग 60 लाख किलोमीटर का हमारा रोड नेटवर्क बन रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कई बार अपने को करना होता है, एचसीएस में इस टाइप के सवाल आ जाते हैं फैक्चुअल, जैसे हरियाणा टोटल रोड्स मेटल रोड इन हरियाणा पूछ लिया था, बट वो हरियाणा से संबंधित था इसलिए उतना फैक्चुअल उन्होंने पूछ लिया। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया भी उन्होंने पूछ ली थी, रोड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो वो पूछेंगे, पूछते कहाँ से हैं, लूसेंट से ही पूछते हैं, उनके आंसर्स भी वही होते हैं, आपको ऑप्शन में 59.64 ही मिलेगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, कोस्ट लाइन भी आपका चलेगा। ठीक है, सदिया तो धुबरी,
चलो ठीक है, इसको देख लेना आपको। गुड इवनिंग अनुराधा। देन नाउ, अब यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे लगभग लगभग 1.321 लाख किलोमीटर आपकी है, या ध्यान रखेंगे अभी बनाने की जो हमारी स्पीड है वो भी अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर डे हो गई थी, बट अब कोरोना और ये सब हो गया तो अपना गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही रेलवेज में देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास हमारी रेलवे लाइन थी, कुछ तो ज्यादा हमने प्रोग्रेस करी नहीं है, बट हाँ थर्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हमारा है इंडिया का, तो ये आप ध्यान रखोगे। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर और फोर्थ इन द फ्रेट। ठीक है, लास्ट लाइन दिखाई नहीं दे रही। अरे यार उसमें वो थोड़ा सा क्या है कि ये सीधी अगली उस पे चली जाती है, ठीक है, और उसमें मैंने ये ऐड कर रखा है, इसको अपन देखेंगे थोड़ा सा, इसका सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इलाहाबाद टू हदिया, हदिया टू डुबरी। अमित गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो थर्ड फोर्थ, ये ध्यान रखो, थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क एंड द फोर्थ लार्जेस्ट फ्राइट फर्स्ट इन द पैसेंजर। डन, ये हो गया है। द नेक्स्ट हमारा आ रहा है सिविल एविएशन। यहां से और कुछ नहीं ध्यान रखना, कितने पैसेंजर्स को लेके गए कितने को नहीं लेके गए, ये अपने अपने काम का नहीं है। बट नेक्स्ट कमिंग टू द सिविल एविएशन, ये अपना थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है, 136 कमर्शियल। कोई नहीं, ये इतनी सारी की सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, बट द थिंग इज कि भाई आपका इसको मैनेज कौन करता है, तो ये हमारा आ जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAII, और छह हमारे जैसे पीपीपी के अंडर भी आपके एयरपोर्ट्स हैं जिनका मैनेजमेंट ऑपरेशन, ठीक है, वो आपका ये लोग करेंगे। वो गुड इवनिंग दीपक, मनीषा दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक बट व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। कोई नहीं मनीषा, इसको एट द एंड ऑफ लेक्चर अपन लेके चलेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा रित? ठीक है, अच्छा आप लोगों का अलग ही चल रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे उड़ान हमारी स्कीम आई थी, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, 43 एयरपोर्ट्स आपके इसमें ऑपरेशनलाइज किए गए, हल्का फुल्का सा ध्यान रखो बस, 40+ 30+। ठीक है, डायरेक्टली इतना फैक्चुअल सवाल नहीं आएगा और इतने फैक्चुअल हम तैयार भी नहीं कर सकते, दिमाग की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सारों में अगर चलने लग जाओगे मे बी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तैयार कर लोगे, बट नॉट फॉर ऑलवेज। तो हमेशा फोकस करना है कि जो फैक्ट्स बहुत बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में उन पे ज्यादा फोकस करना है, और इस टाइप के ट्रिविया आपको फिर भी थोड़ी थोड़ी अवॉइड करनी है। ठीक है, बट उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो अपने को देखें। ठीक है, नाउ अब देखो, ऑन एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इंडिया स्टूड फर्स्ट अलोंग द 7 अदर इन द ग्लोबल कंपिटेटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी 2009 में, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की जो मीटिंग होती है वो कहाँ पे होती है? ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए है, हिंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है डी, तो ये कहाँ पे होती है? WEF की फॉर्म। WEF बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालता है आपकी, आपको वो ध्यान रखना है। WEF की रिपोर्ट्स आप ध्यान रखेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये। ठीक है, दो चार दो चार। कुशीनगर यूपी बिकम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अलग अलग जगह पे अलग 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 तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या बोलना चाहते। थैंक यू शशि चाय के लिए। डेवोस, ठीक है, ओके। देन अपने अलग अलग जगह ये बन रहे हैं, कोई काम के नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं शिपिंग इंडस्ट्री पे। देखो शिपिंग वाले में जो एक फैक्ट इन्होंने दे रखा है, दैट इज इंपॉर्टेंटली आपको रिमेंबर रखना चाहिए मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस में इस टाइप का आता है, प्री में भी आ सकता है। आपका एक ऑप्शन देखे, वन और टू ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसमें ये डाल सकते हैं। ठीक है, डेवोस, ठीक है भाई, डेवोस बिल्कुल सही। हाँ बहुत सही, सबका बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, डेवोस शिपिंग इंडस्ट्री में देखो, 95% ऑफ द इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड अप्रोक्सीमेटली 70%, मैं इसको 95-70 के हिसाब से ध्यान रखता हूँ, तो ये आप 95% बाय द वॉल्यूम एंड 70% बाय द वैल्यू, ये दोनों अलग अलग चीज है। कि आप अगर 100 आइटम भेज रहे हो तो 95 आइटम आपके शिपिंग से जा रहे हैं,
बाकी आपके एयरप्लेन से भी जा सकते हैं, अदर तरीकों से भी जा सकते हैं, तो ये ठीक है। बट उनकी वैल्यू कितनी होती है, 70। तो जो अच्छे अच्छे आइटम्स, एक्सपेंसिव आइटम 5%, जिनकी वैल्यू 30% है, वो हमारे एयर ट्रैफिक से जा रहे हैं। ठीक है, इज डेट आउट HCS? नो, अभी तक तो नहीं हुई है नेहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, ये अपने किसी काम के नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में इतने सारे आप इंडिया में टेलीफोन कनेक्शंस, दे ग्रू बाय 18.8% फ्रॉम 9,961 लाख टू 11,834 लाख इन 2018-19। कुछ नहीं, ये किसी भी काम का नहीं है। टेली डेंसिटी हल्का फुल्का सा ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया की टेली डेंसिटी है अप्रोक्सीमेटली 90%, ठीक है, जिसमें रूरल अप्रोक्सीमेटली 60%, अर्बन हमारी ज्यादा है 160%। कई लोगों के घर में दो दो फोन भी हैं इस हिसाब। ठीक है, तो ये हो गया। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है, जून में जैसे 2014 में 2500 के आसपास थे, नाउ 6500 आप रिमेंबर रख सकते हो, 66 की बजाय 65, 2500 लाख से 6500 लाख आपके ये हो गए। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है कि भाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, ये हमें ध्यान रखना है, यूएसए और चाइना के बाद। शेयर अप्रोक्सीमेटली 6%, 5.86% आप इस हिसाब से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इतना अपना है। एंड ये बेसिकली इंडिया की जो एनर्जी कंजम्पशन है उनकी रिक्वायरमेंट कहां से हो रही है, कोल, प्राइमरीली कोल ही है, एंड क्रूड ऑयल अपना है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एंड नेचुरल गैस है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि जो कोल है, कोल के कितने परसेंटेज ऑफ हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कोल पूरी करता है? बहुत बोरिंग है, इसीलिए तो करना तो सारा ही पड़ेगा, बोरिंग हो चाहे नॉन बोरिंग। कोल, ओनली कोल, ठीक है, ओनली कोल आपको बताना है। वाह, एक आ रहा है आंसर, विकास बोल रहा है 70, दीपक बोल रहा है 40, अंकित वेरी गुड, अप्रोक्सीमेटली 75। मन लगा लो, थोड़ा थोड़ा मन लगा लो, ठीक है। नमस्कार ABCD WXY, सेवेंटी फोर। चलो कौन इसका सही आंसर कमेंट करता है, लेट अस सी, लेट अदर पीपल कमेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आगे आगे आते जाएंगे। फिर ये कितना है, कितना है अपने को एक काम करें, पावर, पावर सेक्टर में जैसे इसमें भी WEF का रहता है, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, तो इसमें 76 पे इंडिया आया था, ध्यान रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो 60। समवीर साहू, सवाल सवाल क्या है कि इंडिया की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट में कोल का कंट्रीब्यूशन लगभग कितना है? एनर्जी सेक्टर में से अपन मान लो डिवाइड करते हैं, इतना कोल का, इतना रिन्यूएबल एनर्जी, इतना न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो ठीक है, इसको 87, 76, कोई नहीं, ये रैंकिंग पे कभी जाता जाता जाना नहीं, ठीक है, 87 है, इसको 87 कर लो। एग्जैक्टली ठीक है, ऑलमोस्ट 60% साक्षी, बिल्कुल सही। राहुल 80, सब मजे ले रहे हैं, 60 से शुरू होके 60, 70, 80, 90, 100 कर दो पूरा, ठीक है, 60, 70 में भी क्यों रख। तो चलो अब अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखो 60% के आसपास है, 70% हमारा बनता है कोल प्लस नेचुरल गैस को मिला के। ठीक है, अभी तो अपन सब्सटेंशियली रिन्यूएबल एनर्जी से काफी लेने लग गए हैं यार, ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रखेंगे, और 60 के आसपास ध्यान रखो, और इवन आफ्टर 2030 तक भी
मतलब जो हमारे रिपोर्ट है मिनिस्ट्रीज की, वो भी यही बोलती है कि तब भी लगभग लगभग 60% अपना यहीं से आएगा। वाह, 56.95, सब प्रिसाइज। थैंक यू शशि, थैंक यू फॉर द इनसाइट्स। ठीक है, तो चलो अब अपना ये WEF फॉरम और ये रही है, ठीक। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर में इंक्रीज हो गई है, व्हाटएवर। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, अब अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि भाई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में अपन ये नोटिफाई हुई थी कब, ये ईयर याद रखना है, ठीक है, 2011। ये जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25 करना चाहते थे, और 100 मिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास आप चाहते थे कि जॉब्स जनरेट हों, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट इसके टारगेट थे, तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है, 25%, 100 मिलियन। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो NIMZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग जोन्स प्रोसेसेस। इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो उसी की वजह से हमारा जो मेनली हम बात करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें आप अपना ध्यान रखो कि भाई कितना क्या चल रहा है। ये मेनली हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये मेंस के हिसाब से ज्यादा पॉइंट्स हैं। सर ये डाटा चेंज हुआ है, कौन सा डाटा चेंज हुआ है, और उसको कमेंट करो अमित कि भाई ये रिसेंट डाटा है, ताकि हम भी मतलब इट इज ऑल अ लर्निंग प्रोसेस, अपने को भी पता चलेगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन देख लेंगे फिर उसमें से जो याद करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो SEZ, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स, NIMZ, नेशनल इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, ये अपने बनाए गए थे। तो यहाँ पे स्केल अलग अलग रहता है, बाकी काम सबका ये है कि आपको इंड एंड ऑल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट करनी है, रेगुलेशंस कम से कम करनी है, एग्जिट मैकेनिज्म, ठीक है। मान लो कोई आपने इंडस्ट्री लगाई और वो अच्छे से फलफूल नहीं पाई, या फिर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, तो हमारे कंसर्न रहता है कि एग्जिट पॉलिसी हमारे यहाँ पे बहुत हार्ड है, वो आपको निकलने ही नहीं देंगे। अब बार बार उसमें पैसे लगाते रहो, डूबते रहो, लगाते रहो, डूबते रहो, तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखो, या फिर नीति आयोग की जो 3 ईयर एजेंडाज की रिपोर्ट है उनको देखो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे अलग अलग डाटा मिलेंगे, बट गवर्नमेंट की रिपोर्ट आपको सबसे ऑथेंटिक मान के हुए चलनी है। मिनिस्ट्री की कोई भी रिपोर्ट हो तो जनरली जैसे विकिपीडिया पे आपको रेफरेंसेस में मिल जाएगा, मिनिस्ट्री के रेफरेंसेस रखो, गवर्नमेंट रटने वाला ही है, ठीक है, ये सारी चीजें रटने वाले हैं। देखो इन द एंड अभी तो अपना चल रहा है, सारे के सारे जो भी फैक्ट्स हैं, अपडेटेड फैक्ट अपन प्री से पहले कर लेंगे, ठीक है। एक सारे के सारे अपन एक वीडियो में कि भाई जितने भी फैक्ट हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, स्पेशली इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के, वो सारे अपन एक जगह करके उनको निपटा देंगे कि भाई मुद्दा ही खत्म, अपडेटेड 1 महीना पहले, क्योंकि ये सारे के सारे चीजें रेगुलरली चेंजेस होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। देन अब देखो मेक इन इंडिया अपना नेक्स्ट आया था, मेक इन इंडिया कब आया था ये ध्यान रखो, 2014। अभी अपना असेंबल इन इंडिया भी आया है, मेक इन इंडिया के बाद असेंबल करेंगे भाई, ठीक है। फिर आत्मनिर्भर भारत भी आया है, तो ये हल्का फुल्का इनका डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है, ईयर्स आपको याद रखने हैं। HCS के हिसाब से ऑनलाइन इन्होंने डैशबोर्ड बनाया था मेक इन इंडिया के लिए, और उसमें बहुत सारे सेक्टर्स, ठीक है, 27 27 सेक्टर्स इन्होंने इंक्लूड कर लिए थे, और 4 पिलर्स ये बना के चले थे कि प्रोसेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर्स, माइंडसेट, ये सारा चेंज करना चाहते थे कि भाई इंडिया ही कर लेगा अपना सब कुछ, ठीक है। प्रोजेक्ट करना वही था, करना वही चाहते थे, बट समहाउ उतना अचीव नहीं हो पाया, वो एक अपना दिक्कत रही, ठीक है। तो यही नहीं चलता है, तभी ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। फिर अपना देखो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये अपने थे। स्टैंड अप
स्पेशली फॉर SC/ST और वुमेन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। तो आपके यहाँ पे अपन ने देखे थे सेतु, ठीक है, सेतु, एम, अटल इनोवेशन मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टैलेंट यूटिलाइजेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो सेतु है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, और एम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये दोनों आपको कमेंट कर रहे हैं। ये अपना हो गया है। हाँ देखो, अब इसमें क्या था कि भाई ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका जॉब क्रिएटर, जॉब सीकर की बजाय कि भाई हमें जॉब चाहिए हमें चाहिए, नहीं, जॉब क्रिएटर्स हमें बना रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, कितना अचीव हुआ कितना नहीं वो एक अलग चीज है। स्टार्टअप इंडिया हब भी इन्होंने शुरू किया, ऑनलाइन हब स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, जनरल बात है। 2017 में इन्होंने ऑनलाइन हब शुरू किया था, ये ईयर याद रखेंगे, 2014 मेक इन इंडिया, 2017 स्टार्टअप इंडिया हब। फिर अपने यहाँ पे ये जो है FDI इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, मैं इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं उन पे उतना फोकस नहीं करता। 100% जहां पे FDI होगी है आप एटलीस्ट उन फैक्टर्स को ध्यान रख लो, इसको अपडेट कर लेना, इट इज नॉट अपडेटेड, इसको अपडेट कर लो, ठीक है, 100% वाला ध्यान रख लेना। और एटलीस्ट डिफेंस वगैरह जो है, हमने बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक वाला जो है, अप्रोक्सीमेटली 75 यहाँ हो गया, 74 नीति आयोग, ठीक है, हाँ दोनों के दोनों अपने नीति आयोग में ही है, ठीक है। फिर अपना क्या है, हाँ देखो FDI। अच्छा मुझे, जैसे FDI हमने बहुत सारे अट्रैक्ट कर ली कर ली, ये भी डाटा चेंज होते रहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व कितना है इंडिया, फॉरेक्स रिजर्व बहुत सब्सटेंशियली ग्रो किया है इंडिया का, तो कितना है वो बताइए अमाउंट इन द बिलियंस। फिर देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स डाटा दे रखे हैं, इंडियाज मर्चेंटाइल ट्रेड इतना डिक्लाइन हो गया, इतना कर लिया, ये वो कोई काम के नहीं है, सर्विस सेक्टर कोई काम का नहीं है, सम इम्पोर्टेंट सेक्टर कोई काम का नहीं है, टेलीफोन सब्सक्राइबर हमारे डिक्लाइन हो गए हैं, ठीक है जी डिक्लाइन हो गए हैं, क्योंकि सब के सब आपका मोबाइल पे फोकस हो चुके हैं। 584 बिलियन डॉलर, थैंक यू। फिर हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज फॉरेन ट्रेड, 600, 348, 600 वी हैव क्रॉस्ड, तो 600 मान के चलो, ठीक हो, हाँ अप्रोक्सीमेटली 600 बिलियंस, तो उसको ध्यान रखेंगे। 584 मैंने देखा था 15-20 दिन पहले, अभी रिसेंटली 600+ हो चुके हैं, तो देखो, ठीक है। देन फॉरेन ट्रेड, अब अगर अपन फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में अपना क्या है कि भाई बाहर से आपका कितना एक्सचेंज चल रहा है, कितनी चीजें आप इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है आपका पूरे ग्लोबल लेवल के ट्रेड में, अपन उसकी बात करते हैं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस कॉलोनियलिज्म जो अपना चल रहा था, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस चेंजेस इन द, ये देखो सिंपल सी बात कि भाई देखो, ब्रिटिश इंडिया ने जब कॉलोनी बनाई, ठीक है, उससे पहले 25% ऑफ द वर्ल्ड आपके फॉरेन ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन किसका था, इंडिया का 25% के अप्रोक्सीमेटली, आपके किसका था, चाइना का 50% ऑफ द ट्रेड इज बिकॉज ऑफ दीज टू कंट्रीज। बट बाद में मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास ही अपन रह गए थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो प्रिंसिपल्स थे वो भी सारे के सारे चेंज हुए। हाँ राम गोपाल, राम राम, सारा डाटा याद नहीं करना नितिन, कुछ 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 याद रखो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, नॉट एवरीथिंग वी कैन रिमेम्बर, और उसकी नीड भी नहीं है, ठीक है, ओके। वैसे अब जैसे फॉरेक्स वाला अपन ने सवाल पूछ लिया तो वो अप्रोक्सीमेटली ही पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है मतलब एक दिन में कई बार तो 10-10, 15-15 बिलियन भी डॉलर चेंज हो जाए, तो इनका नहीं पता चलता ना, तो इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी
आप आंसर कोई फिक्स मत मान के चलना, अप्रोक्सीमेटली ही आंसर करना, ठीक है। फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इनवर्ड लुकिंग, यानी हमने क्या किया था, बाहर के जो फॉरेन ट्रेड थे उस पर कहीं ना कहीं मतलब इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट, कि भाई बाहर से नहीं आने देंगे इम्पोर्ट्स को और अपन ही सेल्फ सफिशियंट बनाएंगे। हम यही चाहते थे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सेल्फ सफिशियंसी, ये हमारा मेन मुद्दा था। अब अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये कम्युलेटिव प्रोग्रेस अपन देख रहे हैं, एंड स्पेशली आफ्टर 1991 सर्विस सेक्टर में हमारा और भी ज्यादा ग्रो किया है। तो देखो 1950 में हमारा 1.78 के आसपास था, बट 1995 तक 0.6 पे अपन पहुंच गए। उस टाइम पे अपना क्या चल रहा था, हाँ जो भी क्राइसिस वगैरह है, हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनी चल ही रही थी, इसी वजह से अपन बाहर के साथ उतना ट्रेड कर ही नहीं रहे थे। बट चाइना जो हमसे 20 साल पहले ही उन्होंने इकोनॉमी को ओपन कर लिया था, उन्होंने इसका फायदा भी उठाया, ठीक है, ग्रोथ भी हुई, और चाइना वर्ल्ड का जो आपका बोला जाता है एक्सपोर्ट हब, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बना, फायदा भी हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। अब अपना ये चलेगा डन डन डन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रैंकिंग वगैरह इसको ऊपर नीचे चलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि भाई इंपोर्ट्स में 19th, ये 2018 की रैंकिंग है कि 19th अपन चल रहे हैं, 10th अपन एक्सपोर्ट्स में चल रहे हैं। ये मेंस के हिसाब से हल्का फुल्का सा ध्यान रख सकते हैं, ये हमें मेंस में हेल्प करती है इस टाइप, है ना, कि भाई ये इतना है। अब अपन देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कितना लिया कितना दिया, ठीक है। हमारे जो भी सिटीजन्स हैं तो उन्होंने अंदर कितना आया, कितना खरीदा और कितना बेचा, वो सारा का सारा अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट में करते हैं। यहाँ पे आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये चलते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो गड़बड़ी चलती ही रहती है, करंट अकाउंट डेफिसिट इतनी होगी उतनी होगी, ये अपने कोई काम नहीं। ग्लोबल डोमेस्टिक इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, ये यहाँ पे सारे के सारे फैक्चुअल चीजें, इनको अपन छोड़ सकते हैं। अब बात कर रहा है कि भाई ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन, देखो अभी क्या हुआ था, जैसे कोरोना के टाइम पे अपन बोल रहे हैं, या फिर जो प्रोटेक्शनिज्म आपका चल रहा है, ठीक है। हाँ जैसे यूएसए ने भी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई कि नहीं आने देंगे, देन आपके चाइना ने भी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई थी कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। फिर आपका जैसे यूरोप में भी हम मान ले, ब्रिटेन भी मान ले, ब्रेग्जिट भी हुआ, ठीक है। तो एक राइट विंग टिल्ट हमें देखने को मिल रहा है इन द पॉलिटिक्स आल्सो एंड इकोनॉमी में भी, सारे के सारे आपके कंबाइनली ऐसे ही रह रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, ठीक है, अपना अपना देखते हैं। बट क्या ये फिजिबल है आज के टाइम पे, तो चाइना एंड इंडिया हमारे बोले जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के सबसे फ्रंट रनर्स हैं, इन्हें तो चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन, तो ये अपना हो गया। देखो चाइना टॉप रैंक्ड एक्सपोर्टर, अमेरिका फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मर्चेंटाइल। तो अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी, ठीक है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसा लगता है मर्चेंटाइल ट्रेड, क्योंकि ज्यादातर इनका अब काम क्या होता है, सर्विस सेक्टर है ये सब है, तो वो चलेगा, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट, चलो ठीक है। शशि गाइज लाइक द वीडियो, तो शशि की बात भी सुन लो भाई, ठीक है। जिस जिसने कर दिया है ठीक है, वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया है दे कैन डू इट। अब अपन नेक्स्ट इसमें जैसे कमर्शियल सर्विसेज, अभी तक अपन ने क्या देखा मर्चेंटाइल, देन अपन आते हैं कमर्शियल सर्विसेज में। तो इंडिया इज 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सर्विसेज का, एंड 10th हमारा किसमें चलेगा, इम्पोर्टर, ठीक है। यूएसए टॉप एक्सपोर्टर एज वेल एज टॉप इम्पोर्टर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी है, ठीक है, जिन सर्विसेज को उनको चाहिए वो इम्पोर्ट भी करनी पड़ रही है, तो टॉप इम्पोर्टर भी है और अपनी सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, टॉप एक्सपोर्टर भी है, तो दोनों के दोनों चीजें ही आपकी चलेंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन SEZ, ठीक है। ओके अमित, ठीक है, SEZ। देखो एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि एशिया का फर्स्ट आपका ये है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या SEZ एक टाइप से अपन बोल सकते हैं, वो हमारा कहां पे है, वो आपका आया है एशिया में
सबसे पहला कांडला, कांडला ध्यान। ऐसी जेड पॉलिसी हमने क्यों बनाई थी? देखो इंडिया चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करें, तो उसके बीच में जितने भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, एक एरिया हम डिसाइड करते हैं उसमें वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं करते, चाहे वो रेस्ट्रिक्शन टैक्स की वजह से हो, चाहे वो फाइलिंग की वजह से हो, ठीक है, या फिर मतलब प्रोसेसिंग जो आपकी होती है, लैंड लॉज, लेबर लॉज, वो उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिए जाते हैं, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप किया है। ठीक है, हरियाणा का पहला एससीजेड झज्जर, बताओ भाई, हरियाणा का पहला फर्स्ट एससीजेड, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन ऑफ हरियाणा, और हरियाणा में कितने एससीजेड हैं ये भी आप बताइए। सर एग्जाम जुलाई में, अरुण एग्जाम जुलाई में तो मुश्किल लग रहा है, अगस्त में आई एम थिंकिंग कि अगस्त में हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट, हाँ ये जो पॉलिसी है आपकी 2000 से इन्होंने अनाउंस करी थी, ये चीज ध्यान रखेंगे। हाँ मैं अभी इसमें श्योर नहीं हूं कि हरियाणा का क्या आपका आंसर रहेगा, ठीक है, तो क्योंकि मैंने हरियाणा अभी रिवाइज किया नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली कि भाई आपका कौन सा एसेंजर फर्स्ट में है, सो प्लीज चेक इट आउट, इसको देख लीजिए। तब अपने अपने एंड पे इसको थोड़ा सा चेकअप कर ले। ऐसे जेड हमारे ग्रोथ इंजन हम बनाना चाहते थे, इकोनॉमिकल सपोर्ट हम देना चाहते थे। 2001 तो आपको ध्यान रखना है, ईयर विद मिनिमम पॉसिबल रेगुलेशन, रेगुलेशन कम से कम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आपका ऐसे जेड एक्ट 2005 आया, उसने और ज्यादा सिंप्लीफाई किया प्रोसीजर को, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस करी, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव अगेन ये मेंस के हिसाब से है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है, ठीक है। झज्जर, गुड़गांव, गुड़गांव हो सकता है, झज्जर आई एम नॉट श्योर, गुड़गांव हो सकता है। फिर जैसे कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड, ये बेसिकली हम बल्क इंपोर्ट और नॉन बल्क इंपोर्ट, बल्क तो एक बहुत ज्यादा एकदम से अपन इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, और नॉन आपके इसमें आ जाएंगे नॉन पेट्रोलियम में, जैसे कंजम्पशन गुड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, आयरन, स्टील, ये बल्क इंपोर्ट्स हैं। देन हमारे नॉन बल्क में क्या रहेंगे, छोटे छोटे आइटम्स, तो पर्ल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये आपकी जो इंडस्ट्री है वो नॉन बल्क में हो जाएगी। फर्स्ट एसिजेट गुड़गांव, ठीक है अरुण, टोटल एसिजेट 20+23, ओके डन। मानेसर गुड़गांव, सुमन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, थैंक यू। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई देखो ये तो अपन ने कर लिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इम्पोर्ट सिंस 1951, तो इसमें आपका इंडस्ट्रीज की हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है, और उसी की वजह से कैपिटल गुड्स या फिर रॉ मटेरियल हमने बहुत सारे मंगाए हैं, कैपिटल गुड्स जो बड़े बड़े अपने होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 2011 के हिसाब से ही ध्यान रखो, अभी तो 2021 सेंसस के डाटा आ नहीं रहे हैं अभी तक, तो ठीक है 2021 के हिसाब से ही हल्का फुल्का ध्यान, वो आते जाएंगे तो अपडेट करता जाना। देन हमारा जैसे डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट्स आपके हो गए थे फूड ग्रेन्स, तो उसकी वजह से भी हम जैसे फूड ग्रेन्स में तो हमने उतना इम्पोर्ट किया नहीं, रॉ मटेरियल हमने बना मंगवाए क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। फूड ग्रेन्स में क्यों नहीं किया, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी आपकी हो गई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन अपना आया था। अच्छा उसमें जो अपन सीड्स यूज करते थे, जो हमने यूएसए से मंगवाए थे, कौन सी वैरायटी के सीड थे, हाई यील्डिंग वैरायटी थे, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सीड, वो बताओ। फिर हमारा आ रहा है कि भाई एक्सपोर्ट आप ब्रॉडली चार कैटेगरीज में हम एक्सपोर्ट्स को डिवाइड करते हैं, सिंपल सिंपल कैटेगरी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऑयल, केक, टोबैको, कैशू, कॉफी चलेगा, और एंड मिनरल्स जैसे माइका, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। थर्ड हमारे इसमें आएंगे मैन्युफैक्चर्ड, तो ये भी आपके एक्सपोर्ट्स में आते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसमें हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे फुटवेयर्स, लेदर, प्रेशियस स्टोन्स, ये भी हम यहाँ से प्रोसेसिंग करके भेजते हैं, ठीक है। देन फोर्थ मिनरल फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, अपन ऑयल, पेट्रोलियम ये भी भेजते हैं, तो वो आपका। फिर ये सारे के सारे डाटा देखो, इकोनॉमिकल सर्वे हमारा अभी इकोनॉमिकल सर्वे है, वो अपन सेपरेटली एक लेक्चर में देख लेंगे,
इको का मार्जिन कितना रहता है एग्जाम में? अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं इस बार। इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग 10-15 तक। PL 480 लीमा रोजो, PL 480 लीमा रोजो भी हो सकता है, पता नहीं मेरे को। लीमा रोजो क्या है? वीट। ओके नेम नहीं पता, बट उन्होंने हर बार खरीदना पड़ेगा उगाने के लिए वो एक। हाँ वो भी है, टर्मिनेटर सीड्स उनको अपन बोलते हैं। एक ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखनी है, टर्मिनेटर सीड्स, कि वो एक ही जनरेशन में आपके रह पाते हैं, नेक्स्ट आपको अगेन बार बार आपको खरीदना पड़ेगा। सवाल पूछते हैं तब वेट कर लिया करें, ठीक है सीमा? आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। कुछ कुछ सजेशन आप बता सकते हैं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर अपन यही लेंगे। मैं काफी दिनों से सोच भी रहा था, मैंने पूछा भी, लेक्चर में जो भी चीजें आपको लगता है कि देर इज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे सुमन ने बहुत अच्छा सजेशन बताया है, इसकी नीड भी महसूस होती है। कई बार क्या होता है कि मैं फ्लो फ्लो में तेज भी हो जाता हूँ कई बार, और मैं रेगुलरली चलता रहता हूँ, मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि वी हैव टू यूटिलाइज द टाइम एज मच एज पॉसिबल, बट उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हम उतना इफेक्टिव कई बार यूटिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये चीजें आपको बतानी भी पड़ेंगी। चलो ठीक है, सतीश भी बोल रहा है, सुमन भी बोल रहा है, इसको मैं इनकॉर्पोरेट डेफिनेटली करूंगा नेक्स्ट टाइम से। जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स, आप उसमें वो कर लो, ठीक है? ठीक है डन। फिर देखो ये कितने करे कितने नहीं करे, अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना, इंपोर्ट और ये सब, ट्रेड इन सर्विसेज, कुछ नहीं। ये अपन सारा का सारा किधर करेंगे? इकोनॉमिक्स सर्वे के टाइम। अब ये चीज ध्यान रखें, आत्मनिर्भर भारत ये लेके आए 2020 में, डेट भी याद रख लेना, मई 13, ठीक है? 13×13 13×2 26, ठीक है? और 26 मई को इट वॉज माई बर्थडे, 26 मई को, कुछ लोगों को पता है बट ट्रिक मैं बता रहा हूँ ध्यान रखने के लिए, अभी एटलीस्ट जो लोग जुड़े हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो 26×26/2 13 और 2020, ठीक है? यहाँ पे कुछ हमने डेफिनेशंस चेंज करी हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम की, वो हम ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे टेबल है, टेबल पे ही सीधा मैं आता हूँ कि भाई क्या इन्होंने चेंज किया है। तो देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 1 करोड़, 1, 10 और 50, और टर्नओवर अलग चीज है। ये है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी उसमें लग रही है, ठीक है? टर्नओवर है कि कितना उसने खरीद बेच कर दिया। इन्वेस्टमेंट मान लो 1 करोड़ की लगी, बट उसने बिजनेस किया 5 करोड़ का, बट उसमें हो सकता है 2 करोड़ उसने और भी कई जगह इधर उधर कर लिए, ठीक है? देना भी पड़ा। इन्वेस्टमेंट न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने करी 1 करोड़ की, 2 करोड़ हमारे इधर उधर खर्च हो गए, लेबर कैपिटल और ये सब, ठीक है? तो बाकी बचे 2 करोड़, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये सर आप आर्मी वाले लगते हो, नो मर्सी ऑन अस, नो पेन नो गेन। जो लास्ट तक हार्ड ट्रेन हार्ड, ठीक है? HCS का एग्जाम है, ऐसे मजाक नहीं होता। जितना डिफिकल्ट हाई लेवल एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं तो उतनी ही हाई लेवल की आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी मेंटली। इट इज अ मेंटल गेम, इट इज नॉट अ नॉलेज गेम। नॉलेज अच्छे अच्छे धुरंधर रह जाएंगे, सिंपल मेंटली फिट आदमी, मेंटली स्टेबल आपका क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये प्री में भी रहता है, मेंस में भी रहता है, इंटरव्यूज ऑल ओवर, और हर स्टेज का आपका एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ब्यूटी होती है इस एग्जाम। अच्छा एक सवाल मेरे को याद दिला देना एम से, ठीक है? एट द एंड मुझे ये बताना सर, एम से कुछ पूछना था आपको। लास्ट में मैं एक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है? एम से मुझे याद दिलाना एट द एंड। मेरे जैसे कर लेंगे क्या सर? सजी तेरे जैसे ही करेंगे, देखना यू, मतलब यू विल बी इन द लिस्ट, लगे रहो। देर आर मैनी पीपल हु आर रियली रियली स्टडिंग हार्ड, ठीक है? तो हार्ड वर्किंग पीपल ही सिलेक्ट होते हैं, और गाइडेंस तो अपनी तरफ से आ ही रही है, ठीक है? दो चीजें चाहिए, राइट गाइडेंस एंड हार्ड वर्क। राइट गाइडेंस मैं अपनी तरफ से कंप्लीटली प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? उसमें ट्रस्ट रखो, लीप ऑफ फेथ एंड हार्ड वर्क आपको करना है। अब वो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? स्मार्ट, एंड दैट इज ऑल व्हाट इज नीडेड, ठीक है? वो तो का सिलेक्शन कराया मैंने,
मेरे अच्छे अच्छे दोस्त सारे तैयारी करने वाले आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस एयर सर्विसेज, ठीक है, तो उनको मैं पढ़ाता था, हम साथ में तैयारी करते थे, सब चलता था। और अब आप लोगों का नंबर है। हाँ यही वर्षा, यही अपन बात कर रहे हैं, 110 एंड 50, ठीक है, ये आपके टेबल में भी यही लिखा हुआ है, 110 एंड 50, यही आप जो बता रहे हो वही हम बोल रहे हैं। डर लगने लगता है और सब पढ़ा हुआ लगता है कि कुछ पढ़ा नहीं, ये नेचुरल है आदित्य, नेचुरल, इट इज ऑल नेचुरल, ठीक है। तो कोई नहीं, यही फाइट्स होती हैं, इनको करते हुए चलो, बस सबके साथ होता है। ठीक है काजल, पुलिस में लग जाओ तो बता, ठीक है। सर मैंने पूछा था कर, तेरे तो मेरे सवाल देख ही नहीं पाते, वो ऊपर मिस हो जाते। हाँ शशि तो रैंक वन, ये पूछा है बताया है, चलो ठीक है। नाउ दोबारा से पूछ लो सतीश, मैं उसको दोबारा देख लूंगा, वो ऊपर चला गया, मैं दोबारा नहीं आ सकता। अब इसमें अपना क्या आ रहा है कि एक्सटर्नल डेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट, ये सब ठीक है, हम कहाँ पे आ गए थे, हाँ यहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब ये हम बार बार इंप्रूव कर ही रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की क्या रैंक है, वर्ल्ड बैंक निकालता है इसको, ठीक है, और इसमें इंडिया की क्या रैंक है वो बताओ। अब यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 लॉन्च करी थी, सीधा सीधा सवाल आएगा कि कब लॉन्च करी गई थी, 2015, इस केस में बोथ मर्चेंडाइज एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, दोनों में ही। फिर हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आपका है, सारे स्कीम्स को मिला के, पहले बहुत सारी स्कीम्स होती थी अलग अलग इंसेंटिव, इनको मिला के मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम एक कंबाइन बना दी गई है। सर आप समझे नहीं, मैं भी रही थी लास्ट, आगे आपको मैं से कुछ पूछवाना था, ठीक है चलो ओके। हाँ देन देखो, आयात निर्यात फॉर्म्स जो हैं उनको सिंपल कर दिया गया, कोई नहीं। 63 राइट, 63 इज द रैंक, लेटेस्ट 63 ही है, 77 था, 77 से अभी कितना आ गया, 63, बहुत ज्यादा ही इंप्रूवमेंट अपन ने करी है। सतीश इज गर्ल सर, यस राहुल, सतीश हमारी क्लास की सबसे प्यारी स्टूडेंट है आफ्टर शशि, शशि सबकी प्यारी है, सतीश शशि का प्यारा है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप सबसे ब्यूटीफुल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, डन डन डन। अब हमारा क्या आ रहा है, हाँ ये रैंकिंग हो गई अपनी, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ एक्सचेंज रेट में क्या है, देखो एक्सचेंज रेट सिंपल सा क्या होता है कि डॉलर रुपीज, ठीक है, तो वो अपन कितना करेंगे, बस विकास जस्ट 5 मोर मिनट्स, फिर अपन कर रहे हैं इसको, जितना डिसाइड किया उतना कर लेते हैं, 5 मिनट और, ठीक है। आज वैसे ही ज्यादा याद करने का था नहीं, बट अपने को करना है तो देखना है, ठीक है। एक्सटर्नल डेट इंडिया की बहुत ज्यादा है, ये सारे की सारी चीजें अपन उधर ही देखेंगे। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि फेमा 2000 में आया था, 2000 में फेमा एक्ट आपका आया था, तो उसमें फेरा था अपना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको फेमा किया गया था, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखता है, वर्ल्ड बैंक जो हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपके उनको देखता है, लोन्स को देखता है, बेस लॉन्ग टर्म लोन्स को, और आपका ये कौन देखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट टर्म लोन जो दिया जाता है आईएमएफ। 27 दिसंबर 1945 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस विद इफेक्टिव फ्रॉम 1947, 45 याद रखना है, 45 ही जाएगा, विद इफेक्टिव फ्रॉम नहीं पूछते हैं मोस्टली, एस्टेब्लिश्ड ऑन पूछा जाता है, ये ध्यान रखोगे। 2000 सॉरी 1945 टोटल मेंबर्स 189 है आई थिंक, ये एक थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए इसको, आईएमएफ 189, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो बाद में आके आपका वर्ल्ड बैंक बना, 5, ठीक है, इसमें अलग अलग आपके चलते हैं, ये भी 1945। फिर जो एक अपना आता है जीएटीटी, ठीक है,
हाँ ये आपका था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड। अंडोरा, अंडोरा इज द न्यू कंट्री टू ज्वाइन आईएमएफ। थैंक यू अंकित। 190, हाँ 190 हो गए, 190 ही, 189 लास्ट जो थी, 190। थैंक यू, ओके 190। एंड अपना ये देखो 1947 और 1948 से फंक्शन हुआ, ये सारे शुरू से ही चल रहे थे, बट गैट जो है वो आपका गैट बन गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, 1 जनवरी 1995। एक तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता था, दो कंट्री आपस में जब ट्रेड करते हैं तो वो एक दूसरे पे टैरिफ लगाते हैं कि भाई मैं इतने परसेंट लेगा तेरे से, तू इतने परसेंट लेगा, तो वो जो टैरिफ होता है उसको अपन स्मूथ करना चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपका ट्रेड है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, यही आपका रहता है। हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है जेनेवा, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, ये भी ध्यान रखना है। दोनों तीनों क्वेश्चंस ये बनेंगे। ठीक है, WTO 1995, जेनेवा, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, यस। फिर एशियन जो आपका ग्रुप है, एशियन की जो 10 कंट्रीज है, अच्छा एशियन के 10 कंट्रीज उसकी 10 के 10 कोई बता सकता है क्या? ठीक है, अपन बाद में बताएंगे, जो कोई भी कमेंट कर सकता है एशियन की 10 कंट्रीज। क्लास वालों ने अगर किसी ने देखा हुआ है तो मैंने इसकी ट्रिक बना के बताई थी, एशियन की वो ट्रिक याद आ रही है तो ट्रिक बता दो। एशियन के साथ इंडिया का है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी ध्यान रखना है। किन किन देशों के साथ है, थोड़ा सा सवाल ये भी बन सकता है। ठीक है, ट्रेड में फ्री नहीं होता है, 0% नहीं रखता है, बट बहुत ही मिनिमम हो जाता है और सेम चलता है, इंडिया ने जितना उस पर लगा रखा है वो उस पर भी उतना ही लगा है। बीपीएल का टीवी, सीएम की सिम, वाओ देखो ये एक नई ट्रिक मिल गई, मैंने बना रखी थी टिम्स, टिम्स ब्रूनी, ठीक है TMLV, ये आपका यहां पे आ गया। ठीक है, अनुराधा ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है यार, बीपीएल का टीवी, सीएम की सिम, ब्रूनी इंडोनेशिया, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है तो आंसर आई जाए। एग्जाम डेट नहीं पता, एग्जाम मंथ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जाम डेट क्या होता है, मतलब मैं थोड़े ना एग्जाम डेट सेट कर रहा हूँ रोहित। ठीक है, एग्जाम मंथ आई कैन प्रेडिक्ट अगस्त एंड, ठीक है क्योंकि 15 अगस्त की तैयारियां भी इनको करनी है तो 15 अगस्त के आसपास तो नहीं रखेंगे। ओके, देन देखो क्लाइमेट चेंज फाइनेंस, इंडिया ने ये तीनों के तीनों आप ध्यान रखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया 2016 में, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम अपने 2005 में जो एमिशंस थे उसको रिड्यूस करके GDP बाय 30-35%, ये एग्जैक्टली याद रहना चाहिए कि 33-35% हम घटाना चाहते हैं ऑफ 2030। सेकंड पॉइंट, 40% हम चाहते हैं नॉन रिन्यूएबल से, रिन्यूएबल से है सेकंड चीज ये। थर्ड, हम चाहते हैं कि 2.5-3 हमारे कार्बन सिंक जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है 2.3 कुछ भी ये गीगा टन कुछ है, ठीक है GT गीगा टन खत्म हो रहा है, बस जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, इट्स गोइंग टू फिनिश। अब और अपना यहाँ पे कुछ नहीं है, फाइनेंस फ्रॉम इंडिया में मैक्सिमम डोमेस्टिक रिसोर्सेस फाइनेंस कर रहे हैं। ग्लोबल क्लाइमेट फंड कब बना था, 2014, ठीक है लॉन्च्ड इट इनिशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन 2014, ठीक है देन। चलो भाई ठीक है, आज अपन छोड़ते हैं ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट पे, कल से अपन करेंगे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, आज का अपना यहां से डन हो गया है। ठीक है गिगाटन, सर एम वाला सवाल तो पूछ लो अब, एम वाला सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो मेरा मोस्टली फोकस क्या रहता है, पढ़ाई पे रहता है। ठीक है, मतलब कि भाई जो भी अपने काम की चीजें हैं वो हम करते रहे, चलता रहे, बट वाइल टॉकिंग टू स्टूडेंट्स तो एक जो वो आ रहा है एम फॉर मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन हमें अलग अलग चीजों से मिलता रहता है, मैं भी डेली बेसिस पे काफी चीजें पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, बुक्स पढ़ता रहता हूँ या कुछ चीजें देखता हूँ जो मोटिवेट करती हैं,
आप लोग भी मोटिवेट करते हो, क्लासेस भी मोटिवेट करती हैं कि हाँ भाई डेली क्लास लेनी है, सीखना है, सिखाना है, ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज जो हम एज अ स्टूडेंट भी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग सा लगता है कि यार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक तो पहली चीज तो ये, तो आई जस्ट वांट टू आस्क, आप लोगों के साथ भी आ रहे होंगे, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट महसूस होती है ताकि हम इस चीज को एक एड्रेस कर सकें मेरी तरफ से, कि भाई हम सारे लोग कनेक्टेड हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर रेगुलरली कमिंग टू द क्लासेस, और भी नए नए लोग भी आते हैं, कुछ पुराने लोग बाद में आते हैं, ठीक है, तो सब कनेक्टेड रहते हैं। तो क्या इससे रिलेटेड वीकली हम एक वीडियो, जो भी फ्रूटफुल हो सकता है, अच्छी स्टोरी बेस्ड या इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस हम लेके आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे सजेशन चाहिए कि इस टाइप का कुछ आप चाहते हैं? ठीक है, तो अगर इस टाइप का कुछ चाहते हो तो वीकली वंस, ठीक है, डेफिनेटली आई विल ट्राई, आई विल सर्च फॉर द टॉपिक्स, तो वो आप मुझे बता दो, वीकली एक वीडियो, ठीक है, अपन इसको कर लेंगे। अगर आप चाहोगे कि भाई उसको लाइव ही करना है तो अपन लाइव भी कर लेंगे, उसमें और ज्यादा कनेक्शन होगा, जो अपन संडे वाला जो टॉपिक डिस्कशंस है, ठीक है, उसमें अपन इसको करेंगे, ताकि और ज्यादा अपन एक दूसरे से कनेक्ट भी हो पाए, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, वी आर वर्किंग एज अ यूनिट, ठीक है, तो वो वीकली लाइव, ठीक है, संडे लाइव, लाइव चैट, इसको अपन जूम सेशन कैसा रहेगा, जूम में करेंगे, YouTube की बजाय जूम में, कि मैं YouTube पे शेयर लिंक कर दूं, या फिर हम उसमें कर लें, और ज्यादा कनेक्टिविटी, जूम वाली मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे जूम में और ज्यादा रखें कि भाई कैमरा भी रहे, मैं अपन भी उसको देख पाए, ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा वन वे हो जाता है, मैं सब उसको देख ही पा रहा हूँ बस, ठीक है, एक हल्का सा छोटा सा सेशन, एक टॉक कि भाई कितना क्या चल रहा है, सबका क्या चल रहा है, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें ऐसा ही मतलब जूम, ठीक है, थैंक यू अजीत, ओके, हाँ प्रीतिका, मॉर्निंग में ऑलरेडी मेरी एक क्लास होती है बैच की, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक लूसेंट इन द मॉर्निंग, चलो डन, इस चीज को मैं वर्कआउट करता हूँ संडे, ठीक है, संडे जूम मीटिंग, जो संडे वाला टॉपिक है वो एक डिफरेंट चलेगा, उसमें अपन मेंस वाला लेंगे, जैसे मैंने मेंस का कुछ लिया था, हाँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से संबंधित एक टॉपिक अपन संडे को रखेंगे, जो वो कर लेंगे, और जूम पे अपन मोटिवेशनल स्टोरी टाइप, ठीक है, जो भी चीजें अपने को कनेक्ट कर सकती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, कि कैसे बेस्ट से बेस्ट अपने को करना है, ठीक है, तो डन, हाँ जूम का लिंक आपके साथ उस पर शेयर कर दिया जाएगा पहले ही, कि भाई जूम सेशन अपना होगा और वो करेंगे, ठीक है, तो दिस इज डन, एक चीज ये हो गई है, और कुछ सर, कल की क्लास का टाइमिंग, कल की क्लास का टाइमिंग रहेगा 2 PM, मैं इसको रख रहा हूं 2 PM टू 3 PM, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देखो अपना दिन में अब क्या है कि यूपीएससी, जैसे मान लो टाइप ए पर्चा जो अपना है वो भी फिर इसी टाइमिंग के साथ अपन सिलेक्ट कर लेंगे, इसके पीछे एक रीजन और है, मैं थोड़ा सा इसको और प्रोफेशनली एज ए यूट्यूब में जो वीडियोस है मैं उनको और प्रोफेशनली डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी मुझे इसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि 2 टू 3 मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं, और यहाँ पे फिर मेरे को रात में जो क्लास लेनी पड़ती है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल सी हो जाती है, ठीक है, मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, 2 से 3, यस काजल, 2 टू 3, ठीक है, देखेंगे 3 से कितना एक्सटेंड होता हो पाता है, दैट डिपेंड्स कि कितना फ्री टाइम मेरे पास है, क्योंकि काम बहुत है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती हैं, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, विद इन 1 मंथ आपको उसका पता चल जाएगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग अबाउट आवर प्रिपरेशन ऑल टुगेदर, डिफरेंट डायरेक्शन में वो प्रिपरेशन को लेके जाएगी, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट विद इन 1 मंथ, ठीक है, उस पर जैसे ही हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव हर चीज के लिए, ठीक है, उसका आप लोगों को तो पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है, तो देन हम एक जूम सेशन रखेंगे शॉर्ट एंड स्वीट,
हाफ एन आवर जूम सेशन, उसमें बाकी लोग भी अपना बात कर सकते हैं, हंसी मजाक और वट एवर, ठीक है, चैट जूम उस हिसाब का वो अपन रखेंगे संडे को, चिल, ठीक है, संडे चिल टाइप। और बाकी हाँ, मेंस का कोई भी एक टॉपिक आप मुझे बता दोगे वो कमेंट करके, उसमें अपन उसको देखेंगे कि यार मेंस का ना, क्योंकि मुझे भी ये जूम सेशन चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी इतना ज्यादा वर्कलोड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काम में ही लगा रहता हूँ। हम सब लोग कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं काफी लोग, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा इनफॉर्मल कनेक्शन भी और अच्छे तरीके से हो जाएगा, सब लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, इट इज ऑल नेचुरल, बट विल फाइट इट टुगेदर, ठीक है सर। सीरियस वाले स्टूडेंट नहीं, वो चिल ही है, वो जूम चिल सेशन रहेगा, तो उसमें कोई सीरियस स्टूडेंट अपन लेंगे ही नहीं, ठीक है। जो सीरियस रहना चाहता है उसमें अपन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सिंपल सी बातें करेंगे, मोटिवेशनल स्टोरीज डिस्कस करेंगे, एंड विल फिनिश इट ऑफ, ठीक है। शशि नंबर नहीं लगने देगी दूसरों का तो बोलेंगे, शशि को म्यूट कर देंगे अपन, ठीक है, शशि को म्यूट रखेंगे, हाँ बच्चा पार्टी टाइप चलेंगे। चलो डन, सो वी आर फिनिशिंग इट ऑफ। सर आप रेगुलर क्लासेस कहाँ लेते हैं? आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड योर ऐप ऑन आईओएस। अमित हाँ, आईओएस पे आप डाउनलोड कीजिए एक तो एप्लीकेशन, माय इंस्टीट्यूट, माय इंस्टीट्यूट के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, रेड कलर की टोपी सी पहने हुए, उसमें आपको कोड डालना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, QRCKC, ठीक है, QRCKC, एंड आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अमित आई होप इट इज क्लियर, QRCKC, iOS पे भी एप्लीकेशन है एंड आपका इस पे भी है, ठीक है। चलो डन, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, इट वॉज अ ग्रेट सेशन विद यू। तो आप अपन मिलेंगे कल, मिलेंगे कल थोड़े से नए अवतार में देखोगे, ठीक है, मे बी आई विल कम विद सूट, तो और मे बी आई विल कम विद शर्ट, तो विल सी इट टुमारो, सी यू टुमारो, टिल देन स्लीप टाइट, स्टडी हार्ड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड जय हिंद ऑल।